बैक टू माई चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला है मेरे कॉलेज का व्लॉग। कुछ काम की वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा आना था, सो आई थॉट क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊँ जिससे मेरे कॉलेज की सारी मेमोरीज दोबारा से ताज़ी हो जाए एंड मैं भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकूँ और मैं आपको भी दिखा सकूँ। तो अभी मैं कॉलेज पहुँच गए, फर्स्ट विल डू जो काम करने के लिए हम लोग आए हैं वो, उसके बाद आई शो यू अराउंड मेरा कॉलेज एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी हमारी मेमरीज़ की एंड एवरी थिंग। सो या यहाँ पर कुछ स्टॉल्स है खाने के लिए जहाँ पे यूजुअली कॉलेज आर से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ काउंटर एरिया जो किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है। समथिंग न्यू साइंस की बिल्डिंग की लाइब्रेरी, आई डिडंट नो अबाउट इट। हम लोग आ गए लाइब्रेरी में बैठे हैं, सिस का आई कार्ड बनाने देना था तो शी सेड कि आप लोग थोड़ा वेट करो, तो हम यहाँ पे आकर लाइब्रेरी में बैठे हैं। अभी आईडी कार्ड का तो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज मैम ने बोला कि अभी नहीं, आईडी कार्ड आने को टाइम लगेगा। तो अभी फाइनली जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो प्रॉपर पूरा तो नहीं हुआ बट थोड़ा मोड़ा हो गया है। सो अभी आई विल शो यू मेरा कॉलेज। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अलग सा लग रहा है यहाँ पे दोबारा से आके। सो दिस वॉज लाइब्रेरी, हम लोग यहाँ से बुक इशू करते थे एंड वहाँ पे है रीडिंग हॉल, हम लोग वहाँ पे जाके पढ़ते थे। यहाँ पे दो सेक्शन है, एक स्पेशल यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी है और एक नॉर्मल लाइब्रेरी का हॉल है। आगे एक बेल आने वाली है जो यूजुअली पीरियड ख़त्म होने के बाद में उसको बजाते थे काका। तो मैं एक बार है ना, मैं ऐसे ही आगे बजा के भाग गई थी जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, पर मेरा पोपट हो गया था, छुट्टी नहीं हुई लेक्चर को। सो या दिस इज़ द बेल, ये बजाते हैं जब लेक्चर ख़त्म होता है, तो पर मेरा पोपट हो गया था। सो वहाँ पर स्टाफ रूम था आर्ट्स फैकल्टी का और मैं इस जोन से बहुत ज़्यादा भागती थी डर कर के कोई टीचर पकड़ ना ले मुझे। यहाँ पर हमारे लेक्चर्स होते थे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 206 इस क्लासरूम में भी होता था, दिस वॉज द क्लासरूम, यहाँ पर भी हमारे लेक्चर्स होते थे। ओह माय गॉड, सारी मेमोरीज याद आ रही है। लास्ट बेंच पे और सेकंड लास्ट बेंचर भी मैं और लास्ट पे रितु और कोमल रहते थे। अभी 15 अगस्त का है तो यहाँ पर बहुत प्यारी सी रंगोलियाँ बनाई हुई है। ये कबूतर जी भी मेरी तरह इंक्वायरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स होते थे एंड वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का कैबिन, आई यूज टू गो देयर मोर ऑफन। सो या अभी मैं पूरे कॉलेज में घूम रही हूँ, जिन जिन क्लासेस में हमारे लेक्चर्स होते थे उन क्लासेस में जा रही हूँ, अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है। इवन तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है बट वो टाइम की जो मेमोरीज है सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्लासरूम्स तो मैंने आपको बताया, अभी ना मैं पीछे शेड एरिया में जाऊँगी, वहाँ पर आपको बताऊँगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वहाँ पर जाते थे, मैं हम लोग का 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था तो हम लोग मोस्टली वहाँ पर जाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, चिल करते थे। सो आई विल शो यू वहाँ की भी मेमोरीज, फिर से वो सारी फीलिंग्स और मोमेंट्स। वाओ, आई रियली मिस माय कॉलेज डेज। सो नाउ आई एम गोइंग नेस्कैफे वाले सेक्शन में, हमारे टाइम पर वो नहीं था, अभी वो है। सो लेट्स सी, जाकर देखते हैं। कैंटीन जहाँ पर मैं अंदर कभी जाके नहीं खाई, एक ही बार खाई थी उसके बाद कभी नहीं खाई। एंड नेस्कैफे वहाँ पर है, यहाँ पर ग्राउंड में भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे। वो जेरोक्स सेक्शन जहाँ से हम लोग को हमेशा जेरोक्स लेनी पड़ती थी। वाह, क्लाइमेट भी ऐसे काफ़ी गर्मी हो रही है बट इट्स फाइन। वहाँ से शेड स्टार्ट होगा,
देखो दिस इज़ समथिंग न्यू हेयर, नेस्कैफे बोलते हैं इस कैफ़े को, छोटा सा है, वहाँ पे छोटा सिटिंग एरिया है जो भी फुल है ऑलरेडी। सो वी हैव ऑर्डर्ड चिली चीज़ एंड पेरी पेरी मैगी विद कॉफ़ी जो कि अभी आ रही है। सबसे पहले पेरी पेरी मैगी बहुत बढ़िया। टेस्टी है, भूजा तेरी चॉइस अच्छी है, शुक्रिया। चिली चीज़ बट फन फैक्ट है, खा पहले फिर बोलूँ। चिली भी खाओ उसकी, बहुत यम्मी लगती है। चिली भी खाई? हाँ, बहुत टेस्टी है। और फन फैक्ट ये कि मैंने ये सारी मैगी लॉकडाउन में लोगों को बहुत बार बना के खिला चुकी हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे टाइम पे क्यों नहीं खुला ये? नसीब हम लोगों को कैंटीन का बिना नमक वाला वड़ा पाव खाना पड़ता था। बेइज्जती मत करो उसकी, एक टाइम पे सहारा था वो। नहीं, आज तक कभी सहारा नहीं बना मैंने, आज तक कुछ भी। एक बार वड़ा पाव खाने के बाद कैंटीन से कुछ भी नहीं खाई, बाहर से फ्रैंकी ला के अंदर खाते थे हम लोग। जाने दो, कोई बात नहीं, जो भी हो ये बहुत टेस्टी है। ये देखो। सो या डन विद अवर पेट पूजा। मैगी बहुत टेस्टी थी, कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी थी। आई रियली रिग्रेट कि हमारे टाइम पे क्यों नहीं थी। एंड अभी हम वॉकिंग अराउंड शेड में, जहाँ पर हमारी बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत ही सारी। तो आई विल शो यू थोड़ा थोड़ा सा। बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पे, हम लोग लिटरली लेक्चर्स बंक करके बैठते थे, इतना मजा आता था। वाओ, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस मेरी फीलिंग्स, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। लिटरली आई कांट इवन एक्सप्रेस मेरी फीलिंग्स, ये सब रास्ता, वो सब मेमोरीज, कॉलेज का टाइम। एंड आई डू रिमेम्बर लिटरली एक बार है ना, वी वर इन फर्स्ट ईयर बीए का, तो तब है ना एक हमारे सर थे अविनाश सर, तो उन्होंने हम लोगों का लेक्चर एक बार ऐसे शेड में लिया था, लाइक वहाँ पे वो जो शेड है वहाँ पर बिठा के हम लोग को पढ़ाया था उन्होंने। लिटरली साइकोलॉजी पढ़ाते थे वो, इतना अच्छा लगा था हम लोग को, लाइक सब कुछ इतना, मैं बता नहीं सकती मेरी मेमोरीज, लाइक लिटरली स्पीचलेस। कैंटीन, ये कैंटीन के पीछे वाला शेड, मेरे कुछ क्लासमेट्स की यहाँ की मेमोरी होगी बिकॉज वो लोग यहाँ ज़्यादा बैठते थे। सो या मोस्टली दैट वाज हमारा वाला शेड, बिकॉज वो ना ही एकदम फ्रंट में है ना ही एकदम बैक में है, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्ती करते हैं ना, यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आती है। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वहाँ रुकने मिलेगा। लिटरली बहुत टाइम के बाद मैं ये पूरा शेड चल रही हूँ कॉलेज का, जो एक टाइम पे हमारा रेगुलर अड्डा हुआ करता था। एंड वहाँ पर है ना, उसको पता नहीं क्यों पाकिस्तान शेड बोलते थे, बिकॉज वो आएगा सबसे अलग है, इसके लिए बोलते होंगे मे बी। पॉलिटिक वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, बिकॉज उनके बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा नज़दीक है वो शेड। आई विल शो यू। कॉलेज टाइम की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। आई रियली विश कि मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ आती तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता। यहाँ पे पीछे ये घर के पास भी हम लोग छुपा करते थे जब टीचर्स या कोई आता था राउंड अप के लिए, देखने के लिए कि स्टूडेंट्स तो नहीं बैठे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये आगे कपिल जा रहे हैं और वो डॉगी उनको परेशान कर रहा है, जैसे मेरे टाइम पर वो डॉगी मुझे परेशान करता था। ये शेड ही हमारा ठिकाना हुआ करता था कॉलेज टाइम पर, लेक्चर नहीं होता था शेड में, कुछ खाना होता था शेड में, चिल करना होता था शेड में, इवन हम लोग को होमवर्क करना होता था तो भी हम लोग शेड में आके बैठ के करते थे, बिकॉज हम लोग को बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, एक बहुत मज़ा आता था। एंड बहुत सारे कपल्स की चोरी भी पकड़ी जाती थी।
ये आगे एक और कपल आ रहा है, सारे कपल्स की चोरी पकड़े जाने वाली है मेरी वीडियो में आज। आई एम प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज मेरी सारी पुरानी मेमोरीज मुझे रिकॉल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफरेंट है ना, वो लोग मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए। बट या इट्स फाइन एक्चुअली, जो भी है मैं खुश हूँ, मेरी मेमोरीज मुझे दोबारा मिली है एंड सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई रियली विश कि वो पुराना टाइम दोबारा वापस आ जाए। रियली विश That's it. आज की वीडियो में बस इतना है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ बिकॉज मेरी सारी मेमोरीज मुझे दोबारा से याद आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो या ये मेरा कॉलेज था, यहाँ पे मेरी बहुत सारी मेमोरीज थी, हम लोग बहुत मस्ती करते थे एंड बहुत हैप्पी टाइम था वो। सो आज का वीडियो बस यहीं तक ही। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। तो या अगर आप लोगों ने इंजॉय किया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड अगर आप लोग भी इस कॉलेज में हो या इस कॉलेज से पास आउट हुए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कमेंट करो और बताओ, आपका भी एक्सपीरियंस बताओ, सब कुछ बताओ। सो या टिल देन, बाय बाय।